हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था उसको मैंने कैपेसिटर के डेफिनेशन तक क्लोज कर दिया था, और मैंने बोला था कि आगे टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के टाइप्स और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर पर स्टोर एनर्जी, ये टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटेंस का सेकंड पार्ट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के टाइप से। देखिए, कैपेसिटर मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, कैपेसिटर जिसको हम कमर्शियल लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं, किसी भी मोटर को रन करने के लिए, चाहे वो फैन हो, चाहे अपने पास कोई इलेक्ट्रिकल मोटर हो या हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, वहाँ कैपेसिटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बिना हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रन नहीं करा सकते। तो एक बार आपको कैपेसिटर, एक बार मैं आपको अगेन कैपेसिटर रिवाइज कराता हूँ। लास्ट वीडियो के भी लास्ट में मैंने डेफिनेशन बताया था, लेकिन उसको मैं कनेक्ट करता हूँ उसके साथ में, आपको बताता हूँ कैपेसिटर क्या है। व्हाट इज कैपेसिटर? देखिए, ये सपोज टू प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। अब सपोज हम प्लेट ए को चार्ज देते हैं, सपोज हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्लेट बी के इनर साइड में माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसका अपोजिट साइड में प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको चार्ज देते जाएंगे तो एक चार्ज स्टोर करते जाएगा, और एक लिमिट के बाद जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उसके बाद वो चार्ज रिसीव करना बंद कर देगा, मतलब हम उसको और चार्ज नहीं दे सकते। इस तरह से सोचा गया कि इसमें कुछ ऐसा चेंजेस किया जाए कि इसको हम और चार्ज दे सकें, बहुत ज़्यादा चार्ज इसको हम दे सकें। इसके लिए इस डिज़ाइन को क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया गया, और इस डिज़ाइन को इस तरह से चेंज किया गया। देखिए, ये हमने ये दो प्लेट, अपने पास वही दो प्लेट हैं। सपोज हमने इसको प्लस चार्ज दिया, इसे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें इस प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थ का सिंबल है और अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, ध्यान रखना आप। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो एंड इट्स प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज इन्फिनिटी। अब इस तरह से इस अरेंजमेंट में इस तरह से चेंज करने से क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते जाएंगे तो ये चार्ज इस तरह से प्लस के बाद माइनस डेवलप होगा, और यहाँ जो प्लस चार्ज डेवलप होगा वो अर्थ से कनेक्ट होने के कारण इसका पोटेंशियल जीरो है, तो ये सारे चार्ज अर्थ में रिसीव हो जाएंगे। इस तरह से हम इस सिस्टम को और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हम इसको दे सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम एक लिमिट तक ही चार्ज दे पा रहे थे, इसमें हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। इस डिवाइस को बोला गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर। इस तरह से हम कैपेसिटर का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज एंड शेप। हम इसके साइज और शेप में किसी तरह का चेंज नहीं लाए, वही प्लेट है, वही साइज है, वही सब चीज है, बस हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हम साइज और शेप में चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल आल्सो। प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज एंड शेप। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कैपेसिटर के टाइप्स, कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं और उसके कैपेसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टाइप इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे इसके नाम से क्लियर है, इसमें टू पैरेलल प्लेट लिया जाता है
और वो दोनों पैरेलल प्लेट के हेल्प से हम कैपेसिटर बनाते हैं। तो किस तरह से बनता है देखिए, ये सपोज एक प्लेट ए है और एक होमोजीनियस प्लेट, मतलब इतने एरिया क्रॉस सेक्शन का सेम साइज का एक दूसरा प्लेट लेते हैं बी। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, हम फिगर में एक्सप्लेन करने के लिए दूर दूर बनाते हैं, जब प्रैक्टिकल हम कैपेसिटर बनाते हैं तो बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। प्लेट ए एंड बी, ये दोनों प्लेट रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने हथेली को बनाया ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है, और ये मेरे मार्कर की तरह ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। सपोज इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। अब हम जब प्लेट ए के इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा जैसा मैंने बताया, और आउटर साइड को हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, अर्थ वी इक्वल टू जीरो। ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमने शो कर दिया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं। अभी दोनों प्लेट के बीच में एयर आर वैक्यूम है, आप सपोज करिए इसमें एयर है या वैक्यूम है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। इस तरह से ये कैपेसिटर का फिगर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटी कैलकुलेट करने से पहले देखिए, कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। तो हमको कैपेसिटी कैलकुलेट करने से पहले क्यू अपान वी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो पता है, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है। अब हमको दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी, क्योंकि कभी भी पोटेंशियल हम इंटेंसिटी के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी कितना होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई, सॉरी ये आप देखिए, आप एक बार रिवाइज कराता हूँ इसको आपको मैं। जब हमने गास थ्योरम पढ़ा, तो गास थ्योरम पढ़े तो हम क्या किए, एक प्लेन शीट पढ़े, तो प्लेन शीट के कारण जो इंटेंसिटी होता है, प्लेन शीट के आपको याद होगा इस तरह से, प्लेन शीट के दोनों साइड हमने गास थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा, तो प्लेन शीट का जो इंटेंसिटी होता है इसके कारण वो E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में जो इंटेंसिटी होगा वो इसके इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए टू प्लेट्स हैं, वो जो फार्मूला है किसके लिए है, सिंगल प्लेट के लिए है। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगा E इक्वल टू, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे कि प्लेट ए का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये होमोजीनियस प्लेट है, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा लेकिन माइनस सिग्मा होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है ये निगेटिव प्लेट है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस होगा सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा होगा, ये फर्स्ट प्लेट के लिए, ये सेकंड प्लेट के लिए, अपॉन टू इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। दैट इंप्लाइज इंटेंसिटी E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों सम हो जाएंगे, टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा देखिए, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आर पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू फार्मूला होता है ई इंटू डी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो इंटेंसिटी और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, तो वी इक्वल टू इन टू डी हो जाएगा, दैट इक्वल यहाँ पर हम जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करके रखे हैं ये वहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा तो हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू
चार्ज इक्वल टू होता है चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। तो चार्ज डेंसिटी क्या है अपने पास, सिग्मा है और एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, और यहां से हम वी का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हो जाएगा। दैट इंप्लाइज यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट बिटवीन प्लेट ए एंड बी। यहाँ पर इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों प्लेट के बीच में एयर है, ये दोनों के बीच में एयर है या तो वैक्यूम है, लेकिन सपोज हम ये दोनों प्लेट के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल अप कर दें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैलकुलेशन लगभग ऐसे ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा क्योंकि इसमें दो फील्ड क्रिएट हो जाएंगे, क्लियर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कंडीशन कह सकते हैं आप इसको, कि अब दोनों प्लेट के बीच में, हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही कह सकते हैं सेकंड, बट ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स। किस तरह से होगा देखिए फिगर में, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ए एंड बी। अब हम दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट यहां पर रख दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह के मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दैट मीन्स वो चार्ज डेवलप करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है, जैसे वैक्स मोम जो है, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो हमने दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट रख दिया और सपोज इसका थिकनेस है टी, टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमने सपोज कर लिया। दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को पहले की तरह हमने डी सपोज कर लिया, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं। अब हमने क्या किया, प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज देने से ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट है इसके इनर साइड में माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा इंडक्शन से, और इसके अपोजिट साइड में प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके प्लस चार्ज डेवलप होने से ये जो प्लेट बी है उसके इनर साइड में माइनस डेवलप हो जाएगा और आउटर साइड में प्लस डेवलप होगा जो कि अर्थ से कनेक्टेड है। इस तरह से ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स। अब यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर दो फील्ड डेवलप हो गए, एक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और एक फील्ड दोनों तरफ आप देख रहे हैं कुछ एरिया बचा हुआ है जिसमें अभी भी एयर आर वैक्यूम है। तो दो फील्ड डेवलप हो जाएंगे, दोनों फील्ड के लिए अपन अलग अलग इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसको फिर हम क्या है कैपेसिटी के फार्मूला में पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम करते हैं फॉर एयर आर वैक्यूम, फॉर एयर आर वैक्यूम, एयर आर वैक्यूम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने निकाला है एयर आर वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एंड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, इसको हम ई नॉट कह देते हैं सिंबल के लिए, क्योंकि ये किसके लिए, एयर आर वैक्यूम के लिए। वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इंटू, देखिए यहां पर ई नॉट इंटू कितने डिस्टेंस में एयर आर वैक्यूम है, यहां ध्यान देंगे फिगर में आप, दोनों प्लेट के बीच का टोटल डिस्टेंस है डी और टी डिस्टेंस में हमने प्लेट रख दिया,
तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी माइनस टी, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा डी माइनस टी, दैट इक्वल अब सैला नॉट का वैल्यू हम यहां से पुट अप कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपन अब सैला नॉट इंटू डी माइनस टी। ये जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है ये है पोटेंशियल फॉर एयर आर वैक्यूम। इसी तरह से हम इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इसको कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमने सपोज कर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया ई टी, टी मीन्स यहाँ टी थिकनेस से सेंस है उसका, तो यह जाएगा सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था उसके साथ में इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्लियर। एंड पोटेंशियल पोटेंशियल वी टी इक्वल टू हो जाएगा ई टी इंटू, अब देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है टी क्योंकि इसका थिकनेस कितना लिया हमने टी लिया हुआ है, क्लियर। तो इंटू हो जाएगा ये टी, दैट इक्वल ई टी का वैल्यू यहां से लाके पुट अप कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब यहां पर आप देखिए ये जो हमने वी नॉट निकाला है वह एयर आर वैक्यूम के लिए पोटेंशियल है और यहां पर जो वी टी निकाला है वो किसके लिए है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए है। अब हम दोनों के साथ में कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी टी। तो यहां पर आप देखिए वी नॉट ये है और वी टी ये है और ये वाला जो प्लेट है सेकंड नंबर का जो प्लेट है हमारा निगेटिव प्लेट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा वी नॉट प्लस वी टी, दैट इक्वल दोनों का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, वी नॉट का वैल्यू अपने पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, दैट इक्वल यहाँ दोनों से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो अंडर ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कंबाइंड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर कैपेसिटी देयरफॉर इस कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसका हम वैल्यू पुट अप कर देंगे सॉरी कैपेसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इस v का वैल्यू को हम यहां पर पुट अप कर देंगे तो हो जाएगा c इक्वल टू q को लिख सकते हैं अपन सिग्मा इंटू ए चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया और ये वैल्यू यहां पर पुट अप कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यहां सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा कैंसिल आउट होने के बाद अब ध्यान रखेंगे ये पोर्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है अब ध्यान रखेंगे ये पोर्शन आगे लिख रहा हूं, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में चला जाएगा तो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहाँ से बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हम चाहें तो ये दोनों पोर्शन से टी को कॉमन ले सकते हैं तो वहाँ से यदि हम माइनस टी को कॉमन ले लें तो दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, माइनस टी कॉमन करेंगे तो माइनस टी कॉमन होने से यहाँ प्लस वन बचेगा, प्लस में माइनस कॉमन होने से माइनस वन अपॉन के, ये होता है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी अंडर ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन के। इस कैपेसिटी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स, क्लियर ये हो गया टू टाइप्स का कैपेसिटर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम दोनों का कंपेरेटिव स्टडी करें कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और दोनों प्लेट के बीच में एयर आर वैक्यूम हो
और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट रखा हो, तो किस कंडीशन में उसका कैपेसिटी, उस कैपेसिटर का कैपेसिटी ज़्यादा होता है? तो नेचुरली आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके पहले हमने जो फार्मूला डिराइव किया उसमें सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था, और यहाँ पर डी में इतना माइनस हो रहा है, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से दोनों से यदि हम कंपेरेटिवली बात करें तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट रख दें तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कभी आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आए, व्हाट हैपेन इफ ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स, तो आप सीधा आंसर लिखोगे या दोनों फार्मूला लिखने के बाद लिखोगे, इट इज क्लियर दैट बाई फार्मूला दिस एंड दिस, इट इज क्लियर दैट इफ ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स देन इट्स कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेज। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दो टाइप हुए कैपेसिटर के। अब हम इसका थर्ड टाइप पढ़ते हैं, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर, स्फेरिकल मतलब जो स्फेरिकल शेप का हो, इसको पैरेलल प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें प्लेट्स पैरेलल होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टाइप इज स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड टाइप स्फेरिकल कैपेसिटर है। ये बहुत इजी है, इसका कैलकुलेशन की स्टेप्स बहुत इजी है क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर में सब डायरेक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाता है। ये है एक स्फेयर, सपोज इसका रेडियस स्मॉल है, इस स्फेयर का नाम दिया हमने कैपिटल ए। ये है सेकंड नंबर का स्फेयर बी, और इसके रेडियस को हमने कह लिया स्मॉल बी। अब हम यदि इसके अंदर के सरफेस को, यहाँ पर एक नाब होता है, एक घुंडी होती है, इस नाब के हेल्प से हम यहाँ से ये वायर निकालते हैं जो इसे टच नहीं होता ना, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज दिए ये अंदर के स्फेयर को, ये हालो स्फेयर के अंदर में दूसरा स्फेयर रखा हुआ है, इसको हम जैसे ही प्लस चार्ज देंगे तो इसको प्लस चार्ज देने से ये वाला स्फीयर के इनर साइड में माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है और आउटर साइड का हम कनेक्शन कर देते हैं किससे, अर्थ से कर देते हैं। यहाँ बात समझ गए होंगे, यहाँ प्लस फिर माइनस, वो अर्थ में चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके कैलकुलेशन में बहुत आसान है, इसका कैलकुलेशन क्यों आसान है, क्योंकि हम दोनों स्फीयर के डायरेक्ट यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में, मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल चार्ज बॉडी होता है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट होता है, कितना होता है, 1/4πε0Q/d। तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करें, कैलकुलेशन डायरेक्ट हम वी ए लिख सकते हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ स्फेयर ए, पोटेंशियल ऑफ स्फेयर ए वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q/ इसका रेडियस है ए, तो हो जाएगा क्यू अपॉन ए। एंड नेक्स्ट अगेन वी बी इक्वल 1/4πε0Q/b, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना चाहें तो देयर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कॉमन क्वांटिटी बाहर कर लेते हैं, तो क्यू अपॉन 4πε0 बाहर हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/a - 1/b, दैट इम्प्लाइज क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं क्या, ए बी, ए बी एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, b - a, ये हमने कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल। और जैसा कि भी आप देखते आ रहे हैं कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हम उसको कैपेसिटी के फार्मूला में पुट अप कर देंगे, वर्किंग स्टेप सब पैक जैसा है।
therefore capacity, therefore capacity C equal to Q upon V, that implies C equal to Q upon, ये V का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे, Q upon 4 pi epsilon naught B minus A upon AB, that implies ये Q को कैंसिल आउट होएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो C equal to हो जाएगा 4 pi epsilon naught into AB upon B minus A. ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस पैरेलल प्लेट नहीं, सॉरी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर ना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ये जो स्फेयर है और ये जो स्फेयर है, ये दोनों स्फेयर के बीच में अभी एयर और वैक्यूम है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी लिखा है। सपोज दोनों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर दें, तो यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बी हो जाएगा। क्लियर? मतलब यहाँ पर एक कंडीशन आप लिख सकते हो कि सपोज के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप, कंप्लीट फिलअप कर दिया, पूरा पैक ना, प्लेट नहीं, पूरा पैक कर दिया, तो उस समय उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बी अपॉन बी माइनस ए, तब उसका फार्मूला ये हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये मैंने आपको 3 टाइप्स इसके पढ़ाए कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट केप्ट बिटवीन प्लेट्स, एंड थर्ड इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली ये बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई ना क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में रिपीट होते रहता है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंबाइन कैसे करते हैं? कंबाइन करना मतलब उसको ग्रुपिंग करना। कॉम्बिनेशन आर ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दैट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जब हम टू आर मोर देन टू कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये टू टाइप का होता है, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी स्पेशल केस क्या है कि इसमें चार्ज कांस्टेंट होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि जब चार्ज कांस्टेंट होता है तभी उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कैसे? अभी आप सर्किट से आपको समझ में आएगा कि ये मैंने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू पैरेलल लाइन यूज करते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, लेंथ अनइक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बैटरी हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी सपोज C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो नेचुरली आप सर्किट से समझ सकते हैं ये चार्ज यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और फाइनली ये अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थ में चला जाएगा। इस तरह आप देखो इसमें चार्ज कांस्टेंट है, बट देयर पोटेंशियल आर डिफरेंट बिकॉज टर्मिनल्स आर डिफरेंट डिफरेंट। तो पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज सपोज V1, पोटेंशियल ऑफ सेकंड इज V2, ए थर्ड इज सपोज V3। नाउ टोटल पोटेंशियल इन दिस केस इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। बट अपने को पता है कि क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, Q इक्वल टू C इंटू V। यहां से यदि हम V का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। इस तरह से इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वल टू V1 का वैल्यू उसी बेस पर क्या हो जाएगा, Q तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये हो जाएगा, दैट इंप्लाइज दोनों साइड से क्यू कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल कैपेसिटर का फार्मूला। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो इसमें Q कांस्टेंट था, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इसमें होगा V कांस्टेंट। ये आप ध्यान रखेंगे, जब V कांस्टेंट हो तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सर्किट किस तरह से बनाएंगे इसका, देखो ये एक पैरेलल प्लेट है, ये दूसरा पैरेलल प्लेट है, ये तीसरा पैरेलल प्लेट, इस तरह से हमने लिया। इसके जो टर्मिनल्स हैं वो कॉमन होंगे, यहाँ पर भी हम एक कॉमन टर्मिनल लेते हैं इस तरह से। इस एंड को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसकी कैपेसिटी सपोज सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। अब हम जब क्यू चार्ज यहाँ पर देंगे तो थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि थ्री रूट्स है उसके। सपोज इसमें क्यू वन चार्ज है, यहाँ पर इसका क्यू टू चार्ज है, यहाँ पर सपोज क्यू थ्री चार्ज है, और ये कनेक्टेड टू अर्थ है। नाउ टोटल चार्ज क्यू इज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, देयर फॉर टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, दैट इम्प्लाइज। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q इक्वल टू क्या था, C इंटू वी, तो यह हो जाएगा C इंटू वी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं C इंटू सॉरी C वन इंटू वी प्लस, यह हो जाएगा C टू इंटू वी प्लस C थ्री इंटू वी, क्योंकि V क्या है, कांस्टेंट है, दोनों टर्मिनल का भी कांस्टेंट है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज कांस्टेंट, दोनों साइड से V कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करने का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टेस्ट बुक वगैरह से, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आपको कलेक्शन मिलेंगे। मैं अपना जब न्यूमेरिकल का स्पेशल जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को, मैं अपने वीडियो को टू पार्ट में बांट के रखा हूँ, एक थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एंड आफ्टर दैट फॉर न्यूमेरिकल, जो IIT-JEE नीट के एग्जाम को कवर करते हुए मैं करूँगा। तो ये इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है, ये इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज स्टोर इन स्फेरिकल चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी, दैट मीन्स एनर्जी, एनर्जी ऑन चार्ज बॉडी। एनर्जी ऑन ए चार्ज बॉडी, इस टॉपिक का सेंस क्या हुआ, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चार्ज एक तरह का एनर्जी है। तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को, चाहे कैपेसिटर हो चाहे कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी हो, जब उसको हम चार्ज देते हैं, सपोज इस मार्कर को मैंने चार्ज दिया तो चार्ज स्टोर कर लिया, और मैं बता रहा हूँ कि चार्ज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमको यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है कि जब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो उसके पास कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई बॉडी है और अभी इसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब हमने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया, सपोज हमने इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज देने से इसका पोटेंशियल सपोज क्या हो गया, वी हो गया। इनिशियली इट्स पोटेंशियल इज जीरो एंड आफ्टर गिवन क्यू चार्ज इट पोटेंशियल विल बी सपोज वी, देन एवरेज पोटेंशियल, देन इट्स एनर्जी इज, इसका जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है एवरेज पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल इंटू, एवरेज पोटेंशियल इंटू चार्ज, जितना उसमें चार्ज होता है, एवरेज पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका एनर्जी होता है। आप इसको डेफिनेशन में ही बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज बॉडी एंड इट्स चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, दैट इंप्लाइज एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉइंट टू, जीरो प्लस वी अपॉइंट टू,
एंड चार्ज इज q, दैट इंप्लाइज u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 q × v। तो 1/2 q × v ये एनर्जी का फार्मूला होता है। अब हम चाहें तो इस फार्मूला को दो अलग अलग फॉर्म में अपन और चेंज कर सकते हैं। कैसे? सिंस अभी अपने को पता है कि q इक्वल टू क्या होता है, c × v, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ से यदि हम इस q को यहाँ से रिप्लेस करना चाहें यहाँ से, तो ये q का वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो एक न्यू फार्मूला मिलेगा, u इक्वल 1/2, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दो क्या, c × v, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 cv² ये एक फार्मूला हो जाएगा। एंड और इसका एक थर्ड फार्मूला और निकल जाएगा, अभी हमने यहाँ से q को यहाँ से हटाया, क्लियर। अब हम चाहे तो v को भी यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो v की इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/c, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 q, और v का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा q/c। नाउ फाइनल इक्वेशन इज u इक्वल टू 1/2 q²/c, ये एनर्जी का फार्मूला होता है। इस तरह से किसी भी चार्ज बॉडी पर, यदि किसी भी बॉडी को चार्ज दिया जाए, उस पर चार्ज स्टोर किया जाए, तो उस पर जो टोटल एनर्जी होता है वो 1/2 q × v या 1/2 cv² या 1/2 q²/c होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसी टॉपिक के लिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, वो टॉपिक कंप्लीटली इस पर बेस्ड है, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, पहले आप ये समझिए। देखिए, सपोज अपने पास एक चार्ज बॉडी ए है और एक दूसरा चार्ज बॉडी सपोज क्या है, बी है। इसका कैपेसिटी सपोज C1 है, इस पर चार्ज सपोज Q1 है और इसका पोटेंशियल सपोज V1 है। और सेकंड नंबर का जो चार्ज बॉडी है उसका कैपेसिटी C2 है, इस पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो Q2 है और पोटेंशियल सपोज V2। दोनों सेपरेट चार्ज बॉडी हैं, दोनों चार्ज हैं। अब यदि हम इस दोनों चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दें, इस तरह से किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दें, तो चार्ज फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि अभी दोनों के पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब तक दो टर्मिनल के पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे तब तक उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंट है, तो आइदर ए टू बी और बी टू ए, यहाँ हमको ये नहीं पता कि ए से बी में जाएगा कि बी से में जाएगा, क्योंकि हमको वी वन वी टू का अमाउंट नहीं पता है कि वी वन ग्रेटर देन वी टू और वी टू ग्रेटर देन वी वन। Then it is clear that in this case charge will be distributed। अब यहाँ पर charge distribute होगा ऐसे B या B से में, तो कब तक distribute होगा, जब तक उनका potential क्या ना हो जाए, equal ना हो जाए। कुछ देर बाद जैसे water high level से low level पर flow होता है, लेकिन जब दोनों का level same हो जाता है तो water का flow होना बंद हो जाता है। उसी तरह से जब दोनों terminal का potential equal हो जाएगा तो distribution बंद हो जाएगा। इस topic में हमको दो तीन topic calculate इसमें होते हैं। सबसे पहले हमको calculate करना है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इट्स पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए, इसका जो टोटल चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज q इक्वल टू हो जाएगा q1 + q2 पूरे सिस्टम का, इसका प्लस इतना कैपिटल लिया है हमने, तो कैपिटल ले लेते हैं, चार्ज q इक्वल टू q1 + q2 एंड टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 + c2। But we know that C equal to Q/V, that means V equal to Q/C हो जाएगा, clear? C equal to Q/V, that implies यदि हम total potential चाहें तो V equal to Q/C,
V equal to Q upon C. That implies V equal to total charge Q1 plus Q2 के equal है और total capacity है C1 plus C2. That implies V equal to, यहाँ आप देखिए कि Q equal to C into V होता है, Q equal to C into V होता है, तो Q1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1, first charge body का charge और second का C2 into V2 upon C1 plus C2. ये हो जाता है कॉमन पोटेंशियल, मतलब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल इतना हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यदि हम उसका चार्ज जानना चाहें, यदि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन ए, ए पर कितना चार्ज होगा, वो सपोज Q1 है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, C1 इंटू वी, क्यों, क्योंकि C1 तो कांस्टेंट है, अब इसका पोटेंशियल V1 नहीं है, अब इसका पोटेंशियल क्या हो चुका, V हो गया, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर हम V का वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो C1 और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन ए एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन बी, वो हो जाएगा Q2 इक्वल टू इसी तरह से C2 हो जाएगा C1 के जगह और ये रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कहलाता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन ए एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन बी, और इस पर लास्ट कैलकुलेशन है लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर, लॉस ऑफ द एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इसी का पार्ट है। देखो जब चार्ज ए से बी में या बी से ए में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, किस तरह से एनर्जी लॉस होगा, ए से बी या बी से में जाएगा तो इस वायर के थ्रू एटमॉस्फेयर में चार्ज क्या होता है, लीकेज होता है, जिसके कारण यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्ट में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए रहता उस कंडीशन में एनर्जी ऑन ए, ए पर कितना एनर्जी होगा, तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ए पर एनर्जी कितना होगा, एनर्जी का भी हमने फार्मूला निकाला है 1/2 C1 V1 स्क्वायर, अभी फार्मूला हम डिराइव किए हैं 1/2 C V स्क्वायर, एंड एनर्जी ऑन बी इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, देयरफॉर टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर लीजिए तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हमने जो निकाला है वो है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के पहले इस पूरे सिस्टम के पास इतना एनर्जी था, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑन ए, ए पर कितना एनर्जी होगा, तो 1/2 C1 V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी कैपेसिटी तो C1 ही है लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया, एंड एनर्जी ऑन B, एनर्जी ऑन B इक्वल टू 1/2 C2 V स्क्वायर, देयरफॉर टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू दोनों का सम हो जाएगा तो 1/2 V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और C1 प्लस C2, दैट इक्वल 1/2, यहाँ V के वैल्यू को हम पुट अप कर दें तो V का वैल्यू हमारा इसके पहले हमने कैलकुलेट किया है क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, दैट इक्वल, आगे इसको सिंप्लीफाई कर दें तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, यहाँ C1 प्लस C2 है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा 1/2, न्यूमरेटर में बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचेगा C1 प्लस
C2। इस तरह आप देखो, ये टोटल एनर्जी है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल एनर्जी है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हमको लास्ट निकालना है तो नेचुरली लास्ट कब निकलेगा, जब पहले एनर्जी उसके पास ज़्यादा था और बाद में एनर्जी क्या है कम। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं U1 से और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं U2 से। अब हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी से आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी को माइनस कर देंगे। क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल यू इक्वल टू यू वन माइनस यू टू। दोनों का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दोनों में आप देखिए 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर एंड माइनस वो वाला पोर्शन है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। ये पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ओनली, इसमें और कुछ नहीं है। अब आगे हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ओनली। देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। अब यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 ये डिनोमिनेटर से C1 प्लस C2 को मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर से मैं C1 प्लस C2 कॉमन करूँगा C1 प्लस C2, तो यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन होकर C1 प्लस C2 और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ये होगा, यहाँ से कॉमन हो गया तो माइनस न्यूमरेटर बस बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये वाला पोर्शन हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अंदर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं C1 का इन दोनों के साथ फिर C2 का इन दोनों के साथ में 1/1 मल्टीप्लाई करता हूँ। जब C1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर होगा, और जब C2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसको हम A प्लस B के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, सामने माइनस का साइन है तो सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर से हमने इसको एक्सपांड कर दिया और सामने माइनस का साइन था तो पूरे साइन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पर सिंगल कैंसिल आउट होएंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इम्प्लाइज अपने को जो फार्मूला मिलेगा डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ से क्या बचेगा, C1 C2 हम कॉमन कर लेते हैं C1 C2, तो यहाँ से हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और इसको हम लिख सकते हैं डेल यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ये पोर्शन का फार्मूला है, ये होता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो कुछ नहीं, इसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ओनली, इस पोर्शन के बाद उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये कहलाता है लॉस ऑफ एनर्जी। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस टॉपिक पर स्टार्ट किया था कैपेसिटर के टाइप से और लॉस ऑफ एनर्जी तक उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपका सिलेबस यहाँ पूरा हो जाता है। और फाइनली मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने हमेशा आपसे ये बात की है कि इसको आप वीडियो को बार बार देखने के बाद इसको आप रिवाइज करिए, और जैसा कि ये बात मैं कई बार आपसे डिस्कस किया कि अभी हमारा पूरा कंट्री लॉकडाउन के कंडीशन पर चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप हमारे कोचिंग क्लास में भी नहीं आ पा रहे हैं, अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी घर में ही बैठे हैं, तो मैं बहुत मेहनत करके रात दिन मेहनत करके मैं ये सारा टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए।
आप इसको यूज़ करिए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे ये पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, तो आप चाहें तो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सबका आपको नोट्स भी मिलेगा, वहाँ से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करिए। ओके, थैंक यू।